हेलो फ्रेंड, नमस्कार। देखिए, आज मेरे पास लेनेवो का G580 मॉडल है। देखिए, इसका कीबोर्ड शॉर्ट है, कीबोर्ड में प्रॉब्लम है। जब भी कोई की प्रेस करते हैं तो एक्स्ट्रा की प्रेस हो जाता है और ऑटोमेटिक ये की प्रेस होता है। तो मैं आज इसका आपको कीबोर्ड चेंज करके बताता हूँ। मेरे पास नया कीबोर्ड भी अवेलेबल है, आज हम बताते हैं आपको। 2 या 3 मिनट में आप कीबोर्ड कैसे चेंज करें ये बता देते हैं। G580 का एकदम ईजी है कीबोर्ड चेंज करना, हम आपको ये बता देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, आपको कोई भी लैपटॉप या जो भी काम करें उसका बैटरी निकाल देना है, तो आपका कोई भी पार्ट शॉर्ट कर सकता है, लैपटॉप डेड हो सकता है। इसका बैटरी निकाल देंगे। आपको कीबोर्ड चेंज करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको पीछे देखना होगा, बैक साइड में, ये बेस में जो भी कीबोर्ड में अगर उसमें स्क्रू से लगा हुआ है तो पीछे कीबोर्ड का सिंबल रहेगा। देख लीजिए, कीबोर्ड का सिंबल रहेगा और अंदर में भी है, इसका पैनल के अंदर में भी, तो उसमें कीबोर्ड का भी सिंबल रहेगा। ये ज़रूर देखें, नहीं तो आपका कीबोर्ड ब्रेक हो सकता है। सबसे पहले इसको आप खोल लीजिएगा, खोल लेते हैं। अंदर में अगर स्क्रू नहीं रहेगा तो ये कीबोर्ड का सिंबल नहीं रहेगा, ये जान लीजिए। देखिए, मेरा एक यहाँ भी कीबोर्ड का सिंबल, देख लीजिएगा इसमें कि कहाँ कहाँ है। मेरे पास एक है, इसको आप खोल लीजिएगा और अपने लैपटॉप को ये खोल लीजिएगा। और एक आपके पास ओपनर होना चाहिए जो कि कीबोर्ड को खोलने के लिए, ओपनर से ही सारा कीबोर्ड खुलता है। ये यहाँ कहीं भी, ये ऊपर में देख लीजिए, यहाँ पे डालना है आपको और थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करना है। ये लॉक रहता है 2-4 ठो, ऊपर की तरफ पुश करना है, यहाँ डालकर ऊपर की तरफ आप पुश कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा ऊपर। और यहाँ पे देख लीजिए, हर एक मॉडल में अलग अलग रहता है ये कीबोर्ड का कनेक्शन खोलने के लिए। इसमें ऊपर स्लाइडिंग वाला है, ये अच्छा से करें नहीं तो ये टूट भी सकता है। ये देख लीजिए कौन सा लॉक है वो आपको, और इसको पुश कर कर निकाल दीजिए। मेरे पास ये नया कीबोर्ड है, टेस्टेड किया हुआ, ये सही है, नया ही है, और इसको मैं आज लगाता हूँ। इसमें जो भी है सिग्नेचर भी कर देते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। और आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, ये कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है कीबोर्ड चेंज करना। आपको इसमें कनेक्टर को आप साइड कर देना है, देख लीजिएगा जो भी होगा, उल्टा सीधा जैसे रहता है उसे लगाना है। ये सबसे पहले ये लग गया, इसके बाद आपको ये अंदर की तरफ ढकेल कर और इसको पुश कर देना है। हो गया, लग गया। और जो स्क्रू जहाँ से खोले थे वो वहाँ कस देना है। वैसे ही लगातार प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट में लिखें, मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपको सोल्यूशन बताऊंगा। मैं अभी आपको चेक कर कर भी बता देता हूं कीबोर्ड काम कर रहा है या नहीं। हो गया, मैंने स्क्रू कर दिया, इसका बैटरी लगा लेता हूँ और आपको ऑन कर कर दिखा देता हूँ। देखिए, ये मेरा ऑन बटन है, ऑन हो गया है। कीबोर्ड आपको टेस्ट कर कर बताता हूँ, तब तक ऑन होने दीजिए। ये मेरा ऑन हो गया, हम आपको टेस्ट कर कर बिन बोर्ड में दिखा देता हूँ।
इसमें फॉर्मेट भी किया है मैंने, देखिए ऑफिस का सेटअप भी करना है। ये आ गया, देख लीजिए सारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।